कोई थिक शेक नहीं है, घर का सारा राशन हमें इसमें नहीं डालना और हल्का सा ये नमक। सारी गेम है डाइट की यार, गेनिंग करनी है तो डाइट, कटिंग करनी है तो डाइट, लीनिंग करनी है तो डाइट। और एक बार मुझे कमेंट में बता देना कौन कौन इस बार मेरे साथ बढ़िया गेनिंग करना चाहता है। पोज भी नहीं आते थे पर एक फील आता था, एक मजा आता था कि हाँ भाई थोड़ा। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो यार आप सब, अच्छे ही हो गए। तो आज की वीडियो का टाइटल तो हमने देख के समझ गए कि किस चीज के ऊपर वीडियो है यार, डाइट यार। जो सुबह से लेके रात तक एक जो बॉडी बिल्डर होता है जो इस फील्ड के अंदर है पूरा फोकस रखता है यार, काफ़ी लोगों को लगता है यार, बिगिनर्स को लगता है कि यार डाइट नहीं मुश्किल, वर्कआउट मुश्किल है, वहाँ पे जिम में जाते हैं यार पेन होता है, एक्सरसाइज नहीं हो पाती यार, बट वो मुश्किल नहीं है, वो खाली एक या दो घंटे की मेहनत है। असली मेहनत है सुबह से लेकर रात तक की डाइट जो हम मेंटेन करते हैं यार, 6 मील्स हम दिन की मेंटेन करते हैं। और काफ़ी लोग यार एक्सक्यूजेस देते हैं, भाई यार मैं स्कूल जाता हूँ, भाई यार मैं जॉब पर जाता हूँ, यार भाई मेरे पास बॉडी बनाने का टाइम नहीं है, मैं बिजनेस करता हूँ, यार मैं जॉब करता हूँ। यार ऐसा कुछ नहीं है यार, अगर आप टाइम निकालना चाहो ना बॉडी के लिए तो निकाल सकते हो, 2 घंटे अपने खाली वर्कआउट के लिए निकाल सकते हो। और दिन में यार डाइट तो वैसे भी तो लेते ही हो ना, दुकान पे जा रहे हो या आप अपना स्कूल जा रहे हो तब भी ले रहे हो ना, बस 2-3 मील को एक्स्ट्रा कर देना है। मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से है, मुझे बहाने मत दिया करो, एक्सक्यूज मत दिया करो कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है जिम जाने के लिए, 2 घंटे मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बुलाए बाबू मैं अकेली हूँ आओ कहीं घूमने चलते हैं, तो फटाफट से चले जाओगे, 2 घंटे की जगह 4 घंटे निकाल लोगे। तो बस यार ऐसे ही होता है, अगर जो चीज़ करनी है तो करनी ही है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आज की वीडियो होगी वो दिखा दूंगा आपको, और जो भी फर्स्ट मील होगी वो भी हम अपनी प्रिपेयर कर लेते हैं। सो गाइस इधर हमारी फर्स्ट मील आप देख सकते हो, 4 बॉइल्ड एग्स रखेंगे और साथ में हमने साइड वाले शॉट में देख रहे हो ब्राउन ब्रेड पीनट बटर और साथ में 2 अखरोट। पहले अपना इसको अंडों को खा लेना बढ़िया गर्मा गर्म, और फिर अपना ब्राउन ब्रेड पीनट बटर उसके 5 मिनट या 2-3 मिनट बाद इसको ले लेना, ब्राउन ब्रेड पीनट बटर और साथ में अखरोट। ये क्या हेल्प करेंगे आपकी, आपको बढ़िया इसके अंदर प्रोटीन मिल जाएगा और आपकी जो ब्राउन ब्रेड पीनट बटर और गुड फैट्स मिल जाएंगे आपको, गुड फैट मिल जाएंगे अखरोट से, और ब्राउन ब्रेड पीनट बटर आपकी गेनिंग के अंदर हेल्प करेगा, उसमें बढ़िया आपको प्रोटीन और एमिनो मिल जाएंगे। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर रख सकते हो। और इसमें जो योग खाने की बारी आई तो यार अपना 2 अंडों का खा लो 1 अंडे का खा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मील की टाइमिंग अपना रख लेना 9-10 बजे के बीच में रख लेना, 9:30-10:30 बजे किसी भी टाइम आप रख सकते हो। सो गाइस हमारी सेकंड मील रेडी हो चुकी है, इधर हमने शेक रेडी करा है और एक साथ में ब्राउन ब्रेड पीनट बटर। अगर आप सोच रहे हो कि इसके अंदर क्या क्या ऐड किया मैं बता देता हूँ, इसके अंदर हमारे 1 बनाना ऐड हुआ है और इसके अंदर देख रहे हो चीकू ऐड हुए हैं, 5-6 इसके अंदर एलमंड ऐड कर लेना और 1.5 गिलास कम से कम मिल्क ऐड कर लेना, बढ़िया से इसको ग्राइंड कर लेना। ये अपना शेक देखो एकदम लाइट शेक है, कोई थिक शेक नहीं है, घर का सारा राशन हमें इसमें नहीं डालना। कई लोग होते हैं इसके अंदर बादाम काजू ड्राई फ्रूट इसके अंदर पीनट बटर सब कुछ डाल देते हैं, वो शेक इतना हैवी हो जाता है बेचारों को 2 या 3 घंटे तक भूख ही नहीं लगती। और यहाँ पे हमने 1 ब्राउन ब्रेड पीनट बटर मॉर्निंग में खाई थी और 1 कप खाएंगे, ये हमारी बढ़िया गेनिंग के अंदर हेल्प करेगी। मील अपने हिसाब से रख लेना, सारी गेम है डाइट की यार, गेनिंग करनी है तो डाइट, कटिंग करनी है तो डाइट, लीनिंग करनी है तो डाइट, फैट लॉस करना है तो डाइट, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो प्रैप डेज चल रहे हैं तो डाइट, ठीक है सारा फोकस आपके डाइट पे। और एक बारी मुझे कमेंट में बता देना कौन कौन इस बार मेरे साथ बढ़िया गेनिंग करना चाहता है, जो अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहता है, 2-2.5 महीने बढ़िया से गेनिंग करो फिर कटिंग करेंगे। अक्टूबर नवंबर के अंदर जो नॉर्मल कॉम्पिटिशन भी होता है, बड़े कॉम्पिटिशन नहीं कह रहा, जो नॉर्मल कॉम्पिटिशन होते हैं कि आप स्टेज पर खड़े हो सको। अब डाइट आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी भूख ज़्यादा है तो उस हिसाब से अपना देख लेना, ये सब घर की डाइट यही होती है। इसको मैं एंजॉय कर लेता हूँ और इसको अपना 11:30-11:30 बजे के आसपास ले लेना, अपना लंच ब्रंच मील है आपकी। सो गाइस हमारी थर्ड मील का टाइम हो चुका है, इधर होएगी हमारी लंच मील जो काफ़ी ज़रूरी है और जो बढ़िया हैवी मील होनी चाहिए। इधर हमने रखा है चिकन जो बढ़िया हमारे को प्रोटीन मिल जाएगा, बढ़िया सब्जी बन रखी है देख रहे हो आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, टेस्ट है ना एक नंबर। साथ में हो गई रोटी और इधर हो गए हमारे राइस, ये हमारी गेनिंग के अंदर हेल्प करेंगे। आप रोटी भी रख सकते हो, चावल भी रख सकते हो, खाली रोटी रख लो या चावल रख लो कुछ ही रख सकते हो, और 1 कटोरी दही। ये तो हो गई हमारी गेनिंग की, जब हमारी कटिंग होगी तो थोड़ी मील चेंज हो जाती है, जैसे ब्राउन राइस वगैरह रख लेते हैं, ये जो हमारी चिकन की सब्जी है वो थोड़ी हमारी दूसरी टाइप की हो जाती है, वो जब कटिंग की डाइट आएगी तब मैं बताऊंगा। सैलेड वगैरह हमारा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि फाइबर्स चाहिए होते हैं तो उस हिसाब से होता है। देखो चलो एक बात करता हूँ आप लोगों के साथ, जब भी यार ये बॉडी बिल्डिंग के अंदर कोई घुस रहे हो या जिम की फील्ड के अंदर घुस रहे हो तो हर प्रकार का बंदा होता है, कोई स्किनी होता है मतलब कोई कमज़ोर होता है यार, कोई स्किनी फैट होता है, कोई यार मोटा बंदा होता है तो वो सोचता है कि बढ़िया से बॉडी बनानी है। पता है अब मैं आपको एक अपनी फोटो दिखाता हूँ, मैं भी काफ़ी स्किनी था यार जब मैंने इसके गेम के अंदर घुसा था ना, तो बस पता है क्या होता था, थोड़े से पुशअप्स लगाता था या थोड़े से पुलअप्स लगाता था ना उसी में फील आता था, इस तरीके से पोज करके फोटो खींचने लग जाता, पोज भी नहीं आते थे पर एक फील आता था, एक मज़ा आता था कि हाँ भाई थोड़ा।
सबसे पहले जो बिगिनर होता है ना उसके थोड़े से बाइसेप और थोड़े से ट्राइसेप बन जाते हैं तो फोटो खींचने लग जाता है, हल्के फुल्के से ऐप्स आ जाते हैं वो फोटो खींचने लग जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग होती है और जो स्टार्टिंग होती है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। और अगर आपने भी स्टार्टिंग अगर कर ली है ना तो इसको क्विट नहीं करना, क्योंकि हमेशा लूजर्स क्विट करते हैं, जो विनर होगा वो कभी क्विट नहीं करेगा। तो अच्छे से इसको मील को आप देख लीजिए, मतलब इसको अच्छे से फॉलो करिए। अब जो भी होगी इसके बाद वाली मील मैं आपको दिखा दूंगा, इसको अपना 3:30-3:30 बजे जब आपका दिल करे अपना रख लेना, 2 या 2.5 घंटे का हर मील के अंदर गैप होना चाहिए। सो गाइस यार आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर है, दिन में आपको ज़्यादा पानी के गिलास पीने हैं, ये तो चलो अलग चीज़ है ही है, दिन में कम से कम आपको 12 से 14 गिलास पानी पीने हैं, क्योंकि आप गर्म चीज़ें खाते हो, अंडे चिकन वगैरह गर्म चीज़ें खाते हो, अगर आपको स्किन क्वालिटी अच्छी रखनी है तो दिन में तो पानी पीना ही पीना है। और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो कोकोनट वाटर को भी रख सकते हो, ये भी आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी रखने में काफ़ी हेल्प करता है, इलेक्ट्रोलाइट मिलेंगे, बॉडी को हाइड्रेट रखने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे मैं कभी भी ले लेता हूँ ना, कभी मॉर्निंग में ले लेता हूँ या कभी अपने लंच के बाद इवनिंग में, कोई फिक्स टाइम नहीं है यार इसका। और जो इवनिंग स्नैक्स होंगे वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो ज़रूरी है। सो गाइस हमारी मील रेडी हो चुकी है, ये है हमारा इवनिंग का शेक जो मैं अपना 5:30-6 बजे के आसपास इसको ले लेता हूँ। और एक और बात, हर एक दिन एक जैसा नहीं होता, जैसे कि आज मैं आपको वीडियो के अंदर कुछ ही दिखा रहा हूँ, यूट्यूब पे यार डाइट की हज़ारों वीडियो होंगी तो उसको पत्थर की लकीर मत समझो कि ये लेनी ही लेनी है, अपने हिसाब से भी ऊपर नीचे आप कर सकते हो। आज आपका दिल है शेक पीने का तो शेक पीजिए, कल आपका दिल है तो आप आमलेट ले सकते हो, अगर आपका कल दिल है तो अपना एग रोटी आमलेट ले सकते हो, एग भुर्जी ले सकते हो, वेजिटेरियन जो भाई है पनीर वगैरह ले सकते हैं, देखो कुछ तो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। और दोपहर को जो वेजिटेरियन भाई हैं वो दाल रख सकते हैं, अपने छोले रख सकते हैं, राजमा रख सकते हैं, ये एक तरह से यार गेनर शेक ही होता है यार, आपको गेनर की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग सोचते हैं गेनर ले लेंगे उस समय गेन हो जाएगा, उस समय तो गेन हो जाएगा, जब गेनर को छोड़ दोगे फिर वापस कम हो जाता तो उसका फ़ायदा नहीं है। ये जो नेचुरल डाइट रहेगी ये आप लोगों को गेन करने में हेल्प करेगी, गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हो दिन में डाइट को तो ज़रूर आप लोगों के रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। चलो मैं इसको ले लेता हूँ। सो गाइस अब जिम जाने का टाइम हो गया है, तो हमारी प्री वर्कआउट मील ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मील होती है, जैसे हमने शेक लिया था शाम को उसके 1.5-2 घंटे बाद अपनी जिम जाने की तैयारी कर दो। इधर अपनी तैयार करिए, जैसे कि हो गए हमारे बॉइल्ड पोटैटो, इसके अंदर ऐड करेंगे हमारी कर्ड, ये आप देख सकते हो अपने कर्ड अपने हिसाब से कर लेना कि जो बढ़िया से इसके अंदर आलू अच्छे से मिक्स हो जाए, ये हो गया, ये देखो जी आओ भाइयों को अच्छे से दिखाओ। एंड इसमें डालेंगे हल्की सी काली मिर्च और नमक, क्योंकि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता था क्या क्या इसके अंदर ऐड करना होता, ये हल्की सी काली मिर्च और हल्का सा ये नमक, बस इतना सा ये करना है। और साथ में आप एक केला खाना चाहो एक केला खा सकते हो अपना, मतलब ये मतलब केले खा सकते हो, या 2 केले खाना चाहो 2 केले खा सकते हो, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है आपका, ठीक है। अब ये हो गई आपकी हैवी प्री वर्कआउट मील, और ये डिपेंड करता है कि आप कैसा वर्कआउट कर रहे हो, कोई सी भी प्री वर्कआउट मिलो ले लो, जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा तो तब भी ये कोई फ़ायदा नहीं करेगी, खाली 2 केले खा के भी चले जाओगे तब भी बढ़िया वर्कआउट कर लोगे, इतना कुछ ही खा के चले जाओगे तब भी बढ़िया वर्कआउट, डिपेंड करता है कि आपका माइंड सेट कैसा है, मतलब जिम के अंदर एक अच्छा माइंड सेट होना चाहिए, ये प्री वर्कआउट मिल भी तभी काम करेगी। चलो इसको ले लेता हूँ, अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये ले रहा हूँ 1/2 घंटा पहले, अब जब जिम के लिए निकल रहा हूँ तब आपसे बात करता हूँ। सो गाइस यार जिम जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ, और ये देखो मैं दिखा देता हूँ क्या सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ, इधर थोड़ा सा लिया है पानी, इधर डालेंगे 3 चम्मच ग्लूकोन डी, ये देखो ये क्या करेगा वर्कआउट के अंदर और बढ़िया एनर्जी देगा, ये अपना जैसे ही जब आप जिम के लिए निकल रहे हो ये उसी समय ले लेना, ठीक है, ये हो गई। और इधर है इसके अंदर मेरा क्रिएटिन है, ये देखो इसके अंदर आपने डाल देना 5 ग्राम अपना क्रिएटिन डाल देना, ये आपकी क्या करेगा बॉडी में बफ लाने में काफ़ी हेल्प करेगा। और ये मैं अपना वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन ले लूँगा, और इधर है हमारा EAA और इसके अंदर है ग्लूटामाइन भी ऐड, तो दोनों को मैं एक साथ ही ले लेता हूँ, समझ गए। वर्कआउट से पहले अपना ग्लूकोन डी की 3 चम्मच डाल के क्रिएटिन ऐड कर लेना, जो अगर बफ चाहिए तो अगर गेनिंग चाहिए तो ये आपकी हेल्प करेगा वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन, और ड्यूरिंग वर्कआउट हम अपना EAA और L-glutamine यूज़ करेंगे। देखो 1% भी वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है ना तो कमेंट्स के अंदर प्यार दिखा दिया करिए, लिखने को खाली मैं भी शेड्यूल लिख सकता हूँ कि बस ये लेता हूँ भाई, यही इस समय लेता हूँ, यही इस समय लेता हूँ, पूरे दिन की मेहनत लगाता हूँ खाली इस डाइट वीडियो पे कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। अब सीधा मैं जिम से आऊँगा और रात को आप लोगों को मिलता हूँ, और फिर आगे हम बात करते हैं कि डिनर में क्या मील होगी, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। सो
सो गाइस अपना बढ़िया वर्कआउट हो गया, अब हमारी डिनर मील का टाइम अपना 10:30, जब भी आपका टाइम हो आप ले सकते हो, 9:30 आपके ऊपर है यार, जब भी आप डिनर करते हो। तो इधर जैसे कि मैंने अपना जो चिकन लिया था, अब ये देख सकते हो इधर रखेंगे अपना बढ़िया चिकन, मैं दिन में 200-250 ग्राम अपना चिकन ले लेता हूँ। उधर रखेंगे अपना वाइट राइस और साथ में रखेंगे सैलेड्स, जैसे कि दिन में थोड़ा बहुत सैलेड तो हमारे को ज़रूरी है। आज आपने जितनी भी डाइट देखी यार, यही आपकी बॉडी गेन करने में हेल्प करेगी, यही आपकी मसल गेन करने में हेल्प करेगी। आप ट्रेनर से पूछते हो कि भाई यार बॉडी बनानी है क्या करूं, वो सीधा आपको बोलता है 5-6 हज़ार की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तब जाके गेन होएगा। उसने भी तो यही डाइट बतानी है, यही वर्कआउट आप लोगों को बताना है। वर्कआउट की वीडियोस आप लोगों के लिए जल्द लेकर आता रहूँगा, डाइट यही तो बताएगा, कोई स्पेशल डाइट तो आप लोगों को बना के देगा नहीं। तो बस यार जो आप लोग उधर पैसे देते हो, मुझे अपना कमेंट्स के अंदर प्यार दो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और सोने से पहले एक गिलास अपना दूध पी लेना, और अगर हैवी करना तो दूध के अंदर बादाम डाल लेना, सोने से पहले ये ले सकते हो। वीडियो को करते हैं इधर ही कंप्लीट, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जल्द से जल्द वीडियोस आती रहेंगी, और जो भी आप लोगों को अपडेट होंगे कंपटीशन के रिलेटेड वो मैं आप लोगों को देता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।